हेलो एंड दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ब्रांडिंग और प्रिंटिंग की तरफ तो ये आइडिया मुझे कहाँ से आया? तो हमने लाइफ बॉय कचरों में इधर उधर या तो एक व्लॉग बना के अपलोड किया जाए। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक केयर करियर से होंगे। तो मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद तायर। आप मुझे जन नहीं जानते तो जाके वीडियो कैमल वाला देख ले, आप फिर भी नहीं जानेंगे क्योंकि मैंने अपना इंट्रो दिया ही नहीं। मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मोशन डिजाइनर और वीडियो एडिटिंग करता हूँ। बहरहाल सॉरी इतना लंबा भाषण देने के बाद। तो हाँ, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ यूट्यूब पे। हाँ, कुछ जिंदगी के ऐसे चौचले थे, उनमें फंस गए थे। बहरहाल इनफ करो सारी बातों को, अभी आ गए हैं तो कुछ करके भी दिखाएंगे। और हाँ, आप लोगों को एक दूसरी खुशी की बात बताऊँ तो इब्रार यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, और इब्रार के लिए कमेंट में माशाल्लाह कॉन्ग्रेचुलेशन लाजमी लिखें अगर आपको अच्छा लगता है तो। तो आज की वीडियो है हमारी ब्रांडिंग और प्रिंटिंग की तरफ। ब्रांडिंग ये क्या होती है कि जैसे कि आप देख लो, ये कोका कोला की बोतल है या सेवन अप की बोतल है या पेप्सी की बोतल है, तो उनकी अपने अपने कलर और लोगो वगैरह है, तो ये हो गई ब्रांडिंग। मैं समझता हूँ आप लोगों को बड़ी आसानी के साथ मैंने समझा दिया कि ब्रांडिंग क्या होती है। तो ब्रांडिंग और प्रिंटिंग, प्रिंटिंग की बात करें तो पहले होती है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में डिज़ाइनिंग की जाती है, फिर डिज़ाइनिंग के बाद पेपर पर जैसे सीवी या फोटो वगैरह प्रिंट करवाते हैं। तो ये आइडिया मुझे कहाँ से आया? काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ इधर ज़मीन पे, इधर उधर कचरे में कि प्रिंटेड से बॉक्स पड़े हुए, शापर पड़ी हुई है, रैपर पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा क्यों ना इनको थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए। एक्सप्लोर करने के बाद मुझे ये पता चला कि ये बाकायदा डिज़ाइनिंग होते हैं, प्रिंटिंग होते हैं, इनकी इंडस्ट्री में बड़ी सी फील्ड है। तो मैंने ट्राई कर लिया एक डिज़ाइन करने के लिए, मुझे अच्छा लगा लाइफबॉय का डिज़ाइन। तो हमने लाइफबॉय का स्टिकर लिया, सॉरी रैपर लिया, उसको हमने पेमाश करी। पेमाश करने के बाद हमने अपने सॉफ्टवेयर में उसको डिज़ाइन कर दिया। मैं डिज़ाइनिंग की वीडियो कंप्लीट तो नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत दिखाऊंगा, क्योंकि कंप्लीट दिखाऊंगा तो काफ़ी लंबी सी वीडियो बन जाएगी, आप बोर हो जाएंगे। और डिज़ाइनिंग वैसे भी कम लोगों को अच्छी लगती है। तो चलो चलते हैं अपनी डिज़ाइनिंग की तरफ। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर, हमने सॉफ्टवेयर ओपन करके यानी उपाय लेंगे, ओके के बटन को छोड़कर आगे चलेंगे, अपनी कस्टम साइज लेंगे, जो आपको पसंद है वो लेंगे। उसके बाद ये सारे एलिमेंट मैंने बनाए हैं, ये मैं इसको एक को जूम करके थोड़ा मॉडिफिकेशन करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये सारे मेरे हाथ के बने हुए हैं। तो अगर आप वेक्टर फाइल बनाएंगे तो आप भी ऐसे उनको ट्वीट कर सकते हैं। उसको कंप्लीट करते हैं डिज़ाइन को, ताकि हम जल्दी जल्दी अपनी वीडियो को ख़त्म कर पाएँ। तो ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, एक बात रह गई, ये पिक्चर मैंने कैसे लगाई। ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया और उसके ऊपर रखी तस्वीर दोनों को मास्किंग कर दिया। मास्किंग कर देंगे तो हमारे रेक्टेंगल की साइज की पिक्चर बन जाएगी। तो हमारा डिज़ाइन हो गया कंप्लीट, इसको करते हैं सेव। सेव करके चलते हैं प्रिंटिंग के लिए। तो हम अपना लैपटॉप लेते हैं और निकलते हैं नजीर भाई की तरफ। चलो यार, ये फैन वगैरह फोन कर रहे हैं। से मिले रवि, रवि भाई, रवि भाई कैसे हो? तो रवि भाई यहाँ पर प्रिंटिंग का प्रोसेस करते हैं, आपको कोई भी काम हो तो रवि भाई से रब्ता कर लेना। रवि भाई का मैं नंबर दे दूँगा आपको। ये मैंने अपना सिस्टम ऑन कर लिया है। ये रही फाइल हमारी, इसको करेंगे ओपन। और ये प्रिंटर की कनेक्शन लेंगे।
प्रिंटर कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप के साथ। पहले से मेरे पास वो सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल्ड है, तो ये सारा कुछ करना पड़ता है। ये आगे हमारी फाइल और सिंपली पीडीएफ में ये होती है आइकन हमारे पास, प्रिंट मार लो। ये आ गया प्रिंटर, और अब प्रिंटर को सेलेक्ट कर लो। तो मैंने कमांड दे दी है प्रिंटिंग की, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ प्रिंटर पर प्रिंटिंग कैसे हो रही है। ये हमारा प्रिंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ये हमारी प्रिंटिंग आ गई। अब इसकी करेंगे हम कटिंग, तो ये सारे काम के हमको आगे पीछे करते हैं। इसकी करेंगे हम कटिंग, कटिंग करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसको कवर करके साबुन के ऊपर। तो चलो करते हैं कटिंग। तो ये मैंने रफली कट कर दिया है, ये वैसे क्रीजिंग लाइन सॉरी कटिंग लाइन मैंने ये दी थी, ये डॉट जो हैं ये यहाँ तक मुझे कटिंग करनी है। ये तो हमारा हो गया ब्लीड जो कट जाता है। तो मेरे भाइयों कटिंग हो गई है, कटिंग में आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये बना है हमारा फुल डिज़ाइन की साइज़। अब चलते हैं फिर उसको फोल्डिंग वगैरह करते हैं, फोल्ड करके देखेंगे कैसे लगता है। तो अभी हम घर पे पहुँच गए, अभी प्रिंट तो मैंने आपको वहीं पर ही दिखाया था। ये ओरिजिनल रेपर भरा हुआ है मेरे पास इनका लाइफ बॉय वालों का, वो और अपना प्रिंट, इनको दोनों को रिसाइज करके देखते हैं कि हमारे प्रिंट में और इनके प्रिंट में क्या फर्क है, पेपर की क्या साइज है चेक करते हैं। अभी के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।